वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का साउथ मोनिस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो काफी ज्यादा डिफरेंट एंड रोज के टॉपिक से आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा स्पेशल भी हो सकती है कुछ ऑडियंस के लिए। तो जहां से मैं बात कर रहा हूँ उन ऑडियंस की जो साउथ की ज्यादातर बेस्ट लेवल की सस्पेंस थ्रिलर या फिर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में देखना पसंद करते हैं। तो अगर आप भी इन्हीं में से हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए मस्ट वॉच वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है दोस्तों। तो जहां से आज के इस वीडियो के अंदर मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ साउथ की टॉप 10 बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के बारे में बताने वाला हूँ। इन सभी फिल्मों के अंदर सस्पेंस थ्रिलर के अलावा बहुत ही अच्छी क्राइम ड्रामा देखने को मिलेगी। इसके अलावा साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी आपको नेक्स्ट लेवल की पर इन सभी फिल्मों के अंदर देखने को मिलेगी। ये सभी की सभी फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप इन सभी फिल्मों को यूट्यूब पर वॉच कर सकते हो, हिंदी लैंग्वेज के साथ अवेलेबल है। ऑफिशियल या फिर अनऑफिशियल यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो कौन से फिल्म कौन से नंबर पर देखने को मिलेगी, कौन सी फिल्म आपके टाइप की होने वाली, कौन सी फिल्म आपको देखनी चाहिए, कौन सी नहीं देखनी चाहिए, तो ये सभी चीजें जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक देखना होगा। एंड ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, काफी मजेदार वीडियो होने वाली है। तो इसलिए मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आज के इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो को पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करना है। एंड अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ जो बेल नोटिफिकेशन दिख रहा है उसको भी आपको ऑन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी हाँ, सो इस लिस्ट के नंबर एक पर फिल्म आती है योगी, जो कि साल 2022 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर ड्रामा मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस फिल्म थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे दोस्तों जोजी जॉर्जिया, पवित्र लक्ष्मी एंड परवेत आनंद। इस फिल्म के लीड स्टारकास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला। तो जी हाँ, सो अगर आप सभी को हाई लेवल की मर्डर मिस्ट्री फिल्म अगर आपको देखना पसंद करते हो एक अच्छी सस्पेंस के साथ, तो ये फिल्म आपके लिए मस्ट वॉच फिल्म रहेगी। तो आप इस फिल्म को डेफिनेटली देखिएगा दोस्तों। मूवी काफी बेहतरीन मूवी है जहाँ एंड मूवी की स्टोरी आपको अलग लेवल की फील दिलाएगी। तो डेफिनेटली एक बार वॉच कर सकते हो, काफी बेहतरीन की फिल्म है। आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है, जो कि शानदार की रेटिंग मानी जाती है दोस्तों। तो जी हाँ, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको यूट्यूब पर अनऑफिशियल देखने को मिल जाएगी, एचको डब के साथ अवेलेबल है, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। इस लिस्ट के नंबर दो पर फिल्म आती है वट्टम। तो जी हाँ, साल 2022 में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा मिस्ट्री फिल्म थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे दोस्तों सी बीराज अंदरिया एंड वंशी कृष्णा चित्रा रेड्डी। इस फिल्म के लीड स्टारकास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो जी हाँ, आप सभी को मिस्ट्री के हिसाब से एक अच्छी थ्रिलर देखना पसंद करते हो एक हाई लेवल की, तो ये फिल्म आपके लिए मस्ट वॉच फिल्म रहेगी। जहाँ पर मूवी की स्टोरी की अगर बात करें तो मूवी की स्टोरी आपको कमाल लेवल की यहाँ पर देखने को मिलेगी। सस्पेंस थ्रिलर के हिसाब से एक अच्छी कॉमेडी भी देखने को मिलेगी इस फिल्म में, तो डेफिनेट ट्राई कर सकते हो। साथ ही कलाकारों की काफी बेहतरीन भी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी इस फिल्म में, तो वॉच करिएगा जरूर अगर आप लोग फिल्में देखना पसंद करते हो सस्पेंस थ्रिलर फिल्में। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 4.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है, जो कि काफी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। जहां पर यह फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी यूट्यूब पर ऑफिशियली, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। तो इस लिस्ट के नंबर तीन पर फिल्म आती है कोरा मीनू, जो 2022 में रिलीज हुई एक्शन मर्डर मिस्ट्री साइकोलॉजिकल थ्रिलर सस्पेंस फिल्म थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे दोस्तों अविनेशा एंड अविनीश अशोक, जबरदस्त अशोक। इस फिल्म के लीड स्टारकास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला। तो जहाँ से अगर आप सभी को साइकोलॉजिकल थ्रिलर के साथ साथ एक अच्छी मिस्ट्री ड्रामा अगर आपको देखना पसंद करते तो ये फिल्म आपके लिए काफी अमेजिंग मूवी रहेगी। जहाँ से फिल्म काफी अच्छी, जहाँ पर मूवी के अंदर आपको एक अच्छी खासी थ्रिलर वाली स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी फिल्म में। आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो जहां से मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है, जो कि एक अलग लेवल की रेटिंग मानी जाती है। एंड आप सभी को आपको आइडिया होने वाली कि इतनी जो रेटिंग मिली हुई है सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्मों को ही रेटिंग मिलती है, तो एक आइडिया लगा सकते हो कि फिल्म में आपको इस तरह की स्टोरी देखने को मिलेगी। तो ट्राई कर सकते हो, ये फिल्म आपको ऑफिशियल डब के साथ यूट्यूब पर ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। इस लिस्ट के नंबर चार, इस लिस्ट के नंबर चार पर फिल्म आती है नाइन। तो जी हाँ, साल 2019 में रिलीज एक हॉरर साईफाई मर्डर मिस्ट्री साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे दोस्तों मलयालम के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन एंड शेखर मेनन, प्रकाश राज महात्मा जैसे बड़े बड़े कलाकार इस फिल्म के अंदर लीड रोल में देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेट ट्राई करेगा, फिल्म काफ़ी अच्छी है, जहाँ पर मूवी के अंदर आपको नेक्स्ट लेवल भी नेक्स्ट यानी कि बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिल जाती है। तो इससे आइडिया लगा सकते हो कि फिल्म में आपको किस
तरह के स्टोरी प्लॉट या फिर बात करें जोनरा की, तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगी। तो ट्राई करेगा जरूर, काफी बेहतरीन मूवी है। IMDb रेटिंग की बात करें तो जैसा मूवी की IMDb रेटिंग की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई थी। इसके अलावा ये फिल्म ऑडियंस के साथ क्रिटिक को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई थी दोस्तों। एंड ये फिल्म आपको ऑफिशियल डब के साथ सेम टाइटल के साथ यूट्यूब पर अनऑफिशियली अवेलेबल है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। नंबर पाँच पर फिल्म आती है महान, जो 2022 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर ड्रामा सस्पेंस फिल्म थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे दोस्तों सलीम बारहान, NTR, हंसिका मोटवानी, सोनम शेट्टी। इस फिल्म के लीड स्टारकास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो जहाँ से आप सभी को एक क्राइम ड्रामा के साथ साथ एक अच्छी थ्रिलर देखना पसंद करते हो, एक अच्छी सस्पेंस के साथ, तो आप फिल्म को एक बार ट्राई कर सकते हो। फिल्म की अगर स्टोरी की अगर बात करें तो मूवी की स्टोरी कुछ यूनिक आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, तो उसी वजह से ये जो मुझे फिल्म है मुझे कुछ खास लगा नहीं, बट कुछ ऑडियंस को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आ सकती है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो, गोल्डमैन की यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी ऑफिशियली अवेलेबल, या फिर लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। नंबर छः पर फिल्म आती है दोंगटा, जो 2015 में रिलीज हुई कॉमेडी सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा फिल्म थी। और इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे दोस्तों आदिशेष बर्मानंदम एंड लक्ष्मी मांचू। इस फिल्म के लीड स्टारकास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो जहाँ से आप सभी को अच्छी थ्रिलर के साथ साथ एक अच्छी सस्पेंस के साथ एक नेक्स्ट लेवल की कॉमेडी अगर आपको देखना पसंद करते हो तो मेरी तरफ से ये फिल्म आपके लिए हाईली रिकमेंडेड मूवी रहेगी। जहाँ से उस फिल्म के अंदर आपको कॉमेडी किंग यानी कि बात करो बर्मानंदम सर आपको इस फिल्म अंदर कॉमेडी करते नजर आएंगे दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ऑफिस में को डेफिनेटली ट्राई करिए। फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी ऑफिशियल यूट्यूब पर अवेलेबल है, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन। नंबर सात पर फिल्म आती डोंगाला नारू जगराथा, जो 2022 में रिलीज एक मिस्ट्री एक्शन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे दोस्तों संयुक्त करनानी। और इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएगी श्री सिम्बा जैसे बड़े बड़े कलाकार इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगी। स्पेशली अगर बात करें मूवी की प्लॉट की तो ये एक मूवी का जो प्लॉट हमें देखने को मिल जाती है कार के अंदर, तो जहाँ से एक कार के अंदर एक व्यक्ति कैसे फंस जाती है एंड चारों मतलब डोर जो लॉक हो जाती है तो ऑटोमेटिकली, तो ये फिल्म हमें देखने को मिल जाती है कि कार के अंदर किस तरह से वो सर्वाइव करती है, हीरो किस तरह से कार के अंदर सर्वाइव करती है, तो ये हमें देखने को मिलती है मूवी के अंदर। प्लॉट देखने को मिल जाती है, प्लॉट काफ़ी डिफरेंट है एंड इस तरह की प्लॉट जो खासकर हॉलीवुड फिल्मों में होती है, बट इस फिल्म के अंदर आपको उस लेवल की प्लॉट देखने को मिलेगी। तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहें तो देख सकते हो एंड ये फिल्म आपको एच को डेप के साथ देखने को मिल जाएगी यूट्यूब पर अनऑफिशियल अवेलेबल है। लिंक इसे भी टाइम डिलीट हो सकती है, फिर बेटर होगा कि आप इस फिल्म को नेट पर जाकर वॉच कर सकते हो। नंबर आठ पर फिल्म आती है चेक, जो 2021 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर ड्रामा सस्पेंस फिल्म थी। और इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे दोस्तों नितिन रेड्डी, रकुल प्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश वॉरियर। इस फिल्म के लीड स्टारकास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला, तो जहाँ से आप सभी नितिन रेड्डी के बहुत बड़े फैन हो, एक अच्छी सस्पेंस के साथ साथ बहुत ही अच्छी रोमांचक से बड़े थ्रिलर ड्रामा अगर आपको देखना पसंद करते तो आप इस फिल्म को देखिएगा जरूर। फिल्म काफी अच्छी है, जहाँ पर यह फिल्म आपको डेफिनेटली पसंद आएगी दोस्तों। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा की ये फिल्म 2021 की नितिन रेड्डी की एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी, तो इससे अंदाजा लगा सकते हो, तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। एंड मेरे ख्याल से ऑब्वियसली काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी इस फिल्म को यूट्यूब पर देख चुके होंगे, एंड जो लोग भी अभी भी इस फिल्म को नहीं देखे हैं तो वो लोग जाकर वॉच कर सकते हैं, यूट्यूब पर ऑफिशियल अवेलेबल है। एंड जो लोग भी देख चुके ऑलरेडी तो उसको भी आप दोबारा एक बार के लिए वॉच कर सकते हो रिमाइंडर के तौर पर, फिल्म काफी अच्छी है, तो जिसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर, या फिर आप इस फिल्म को आदित्य मूस के यूट्यूब चैनल पर भी जाकर वॉच कर सकते हो। नंबर नौ पर फिल्म आती है डियर सत्या, तो जी हाँ, डियर सत्या फिल्म जो कि 2022 में रिलीज हुई थी एक सस्पेंस ड्रामा मर्डर मिस्ट्री साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसके लीड रोल में आपको नजर आएंगे दोस्तों अश्विन कुमार, अरविंद राव एंड अरुण वारजा। इस फिल्म के लीड स्टारकास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला, तो फिल्म काफी अच्छी है, जहाँ पर फिल्म में आपको ढेर सारा ड्रामा देखने को मिलती है एंड काफी बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर के साथ अच्छी साइकोलॉजिकल भी मूवी के अंदर देखने को मिलती है एक अच्छी ड्रामा के साथ, तो एक बार ट्राई कर सकते हो, फिल्म काफी अच्छी है। IMDb रेटिंग की बात करें तो मूवी की IMDb रेटिंग की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई थी। और ये फिल्म आपको यूट्यूब पर ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। जी हाँ, सो नंबर 10 यानी कि इस लिस्ट की आखिरी या फिर लिस्ट पर फिल्म आती है हंट, तो जी हाँ, सो इसी साल रिलीज हुई है, जो कि एक मिस्ट्री एडवेंचर ड्रामा थ्रिलर फिल्म है, जिसके लीड रोल में आपको नजर आएंगे दोस्तों तीन दिग्गज कलाकार सुधीर बाबू, श्रीकांत एंड भरत जैसे बड़े बड़े कलाकार इस फिल्म के अंदर लीड स्टारकास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। IMDb रेटिंग की बात करें तो जी हाँ, सो की IMDb रेटिंग की बात करें तो 3.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई थी, जो कि एवरेज की रेटिंग मानी जाती है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि मूवी जो इसी साल रिलीज हुई है एंड ये
एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी, और जहाँ पर इस फिल्म को अगर आप लोग देखना चाहते हो एक अच्छी मिस्ट्री ड्रामा के साथ, एंड जनरली ये फिल्म जो नॉर्मल ऑडियंस को इस तरह की मिस्ट्री ड्रामा मेरे ख्याल से पसंद आ सकती है एक अच्छी एक्शन के साथ, तो देख सकते हो ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पर विद इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हो। सो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यही तक था, आशा करता हूँ कि आज का हमारा वीडियो आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इस तरह की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।